अभी अपनी जान के साथ में खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। और गाइस बाकी सब छोड़िए, उस बच्चे का मुंह देखिए। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है? हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आज निकले हुए हैं एक नए सफर पे, और निकले हुए काफी देर हो चुकी है। लखनऊ से हम अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के ऊपर आ चुके हैं। बाकी इस समय मैं अकेला नहीं हूँ, हम गाड़ी में चार लोग हैं, मैं, सौरभ और सौरभ की मम्मी और हमारा लियो। और इस समय हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अब वहीं पहुँच के हम आपको बताएं। बाकी इस समय थोड़ा सा हमें कोल्ड सा हो रखा है। तो फिलहाल इस समय हम पहुंच चुके हैं कन्नौज, और जहां जा रहे हैं काफी ज्यादा मजा आने वाला है वहां पे। बाकी मैं बता रहा था कि थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है इस समय, अब तो काफी ज्यादा बेटर है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। Hey, I got something to say. ये है पटरी पर सेल्फी वाला पोज। आप बाद में मत कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं कि सेल्फी कैसे ली जाती है रेलवे लाइन पे। और ये देखिए इतना गजब का मेला लगा हुआ है यहाँ पे। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये लोग पटरी पर कौन सी फोटो सेल्फी वाला सीन चल रहा है। गाइस अभी आपको हम दिखाते हैं लोग कैसे जान, मतलब अपनी जान के साथ में खिलवाड़ करते हैं। अभी हम दिखा रहे हैं, हमारे सामने बलेनो चल रही है, हमने क्रॉस कर लिया, आप सामने देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए भाई साहब, मतलब कर क्या रहे, करना क्या चाह रहे हैं ये, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आप जाना कहाँ है, कि ऑलरेडी इतनी सारी सवारियां उसके अंदर भरी हुई हैं। देखिए जबरदस्ती घुस रहे हैं भाई साहब। अभी अपनी जान के साथ में खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। और गाइस बाकी सब छोड़िए, उस बच्चे का मुंह देखिए। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है? और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। दूसरे तो सही बोल दे इसका। मजा आया। सो गाइस अभी हम रुके हुए हैं यहीं बीच में, थोड़ा सा मौसम काफी सुहाना हो रहा है, बहुत गजब का मौसम हो रहा है। और अभी बस ऐसे छोटा सा ब्रेक के लिए हम लोग रुके थे, लोकेशन अच्छी लगी, वो अपनी गाड़ी पीछे लगी हुई है। और यहाँ का माहौल देखिए कितना प्यारा माहौल है, बहुत आराम से बहुत मस्ती करते हुए जा रहे हैं, जहाँ मन हो रहा है वहाँ रुक रहे हैं, जहाँ मन हो रहा है चल दे रहे हैं। और हवा इतनी गजब की चल रही है, देख सकते हैं आप, मौसम बहुत गजब का है। और लोकेशन देखिए कितनी गजब की है। एक तो काफ़ी देर से कुछ खाना पीना हम लोग चाह रहे थे, लेकिन कहीं पर कुछ ढंग का दिख ही नहीं रहा था, इसी वजह से हमने कहा ऐसे रोक लेते थोड़ी देर और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से जहाँ हम लोग जा रहे हैं कितना दूर रह गया है? 200 किलोमीटर। अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो लगभग बताया गया है कि 200 किलोमीटर है। खैर जब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे, अभी तो मौज मस्ती कर रहे हैं। 2 hours later. सो फाइन यार ये क्या है? ए तुम हटो। हाँ सुफैन फिर यार तुम आ गए नीचे, हैं ऊपर चलो। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, और हम इस समय हैं प्रतापगढ़ में। क्या बोला तूने? मेरा दिमाग खराब है, हम पागल हो चुके हैं। वो कैसे बोलता है यार उसमें? मेरे मुंह से निकल गई। मैं मुंह से निकल गई थी, वही वाला हाल हो रहा है। का नाम है जगह? फतेहगढ़। यार फतेहगढ़ और प्रतापगढ़ में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हम इस समय हैं फतेहगढ़ में। तो आए अब, आए आप तो गए हैं, क्यों 4 बजे के आसपास पहुंच गए थे ना? हाँ 4 बजे हम पहुंच चुके थे, चेंज वेंज किए, फिर खाना ना खाए, और खाना खा के अब थोड़ा सा निकल लिए हैं घूमने टहलने के लिए। और आप देख ही रहे होंगे हम चेंज कर चुके हैं, मस्त सौरभ और हम, लियो और मम्मी जी वहीं हैं घर पे,
गाइस इस समय हम हैं पुलिस लाइन में और आप देख सकते हैं इस समय और आइए अब आपको दिखाते हैं जुहू बीच। सामने आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे आप सामने देख सकते हैं, वो देखिए कितना बड़ा पहाड़ है और ये देखिए समुद्र है जस्ट बगल में हमारे। शीशा खोल के हम आपको दिखाते हैं, वो देखिए दिखा शायद आपको। और ये देखिए हाथी, इंसान जो है हाथी को टहला रहा था। क्या बोला तूने? और पहाड़ देखिए आप, ये देखिए पहाड़ कितना ऊंचा पहाड़ है। हालांकि हम लोग यहाँ ऑफ रोडिंग नहीं करेंगे, का कर रही हो? क्या रही भाई? हमें लगा कि मैंने कहा ऑफ रोडिंग की, तो मुझे लगा कि सौरभ का मूड बन गया ऑफ रोडिंग करने का। तो खैर ऐसा नहीं हुआ, हम लोग यहाँ से मोड़ के फिर वापस जा रहे हैं। अच्छा जुहू बीच पे चल रहे हैं। अच्छा तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं जुहू बीच पर। हो तो आप देख सकते हैं इस समय हम कहाँ आ चुके हैं। हमारे पीछे देखिए कितना बड़ा पहाड़ है, सौरभ उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए जा रहा है। ये देखिए सौरभ, तो आपको कैसा फील आ रहा है इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए? फील ऐसा आ रहा है। हाँ हाँ क्या बताएं, समझो बस आ ही रहा है। आ ही रहा है, अब ज्यादा कुछ ना पूछो, बस ये समझिए फील आ ही रहा है। हाँ बस आ रहा है। अब देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. ये देखिए एक पतली सी गुफा है, इस गुफा से हम लोग निकल रहे हैं। ये देखिए, और ये पहली हमारी वाटर क्रॉसिंग पड़ी है। देखिए कितनी बड़ी है वाटर क्रॉसिंग, जिसको मुझे जो है ये दूसरी पड़ी। और अब चढ़ते हुए पहाड़ पर सौरभ देखिए पूरी ताकत के साथ पहाड़ पर चल गया और हम आ चुके हैं जुहू बीच पे। ये देखिए You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you're... मजाक से हटके एक बात ये है, या पीछे जो तालाब देख रहे थे, इन्हें बोलते हैं तीन तालाब, एक दो तीन, यानी कि इस तालाब के पीछे एक तालाब, उस तालाब के पीछे एक तालाब और है। नजारा गाइस आपको हम दिखाते हैं कैसा व्यू है। सामने का व्यू देखिए कितना प्यारा है। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go. प्यारा सीन, मतलब पीछे का ग्रीनरी सीन देखिए कितना मस्त सीन आ रहा है पीछे का। सब चीजें याद करोगे दोबारा फिर नहीं, बिल्कुल तबीयत हरी हो गई है सब देख के। मुझे जो कोल्ड हल्का हल्का हो रहा था, अब वो कोल्ड ओल्ड हम सब भूल चुके हैं। बाल खड़े हैं इसका मतलब हम कोल्ड भूल चुके हैं। बैक पीछे का मतलब व्यू वाकई में कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं हम सिटी से अलग हटके कहाँ आ गए। वाकई में इस जगह आके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसका क्रेडिट जाता है सौरभ को, क्योंकि मैं सौरभ के साथ आया था मैं घूमने फिरने के लिए। और देखिए मतलब चारों तरफ, इधर अपना सस्ता वाला जुहू बीच और इधर अपना रियल भाई ग्रीनरी, वाकई में देख के तबीयत हरी भरी हो गई। इधर पानी, इधर हरा भरा, क्या चाहिए। और सो फाइनली गाइस अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, सीधे जा रहे हैं रूम पे जहाँ रुके हुए थे और काफ़ी मज़ा आया। और ये इतनी प्यारी जगह, हमें इतनी खूबसूरत जगह लगी
सो अब इसमें अब कल हम आएंगे दिन में, और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, यहाँ पे अंधेरा भी हो रहा था, थोड़ा सा लग भी रहा था कि शायद अब ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जगह काफ़ी अच्छी थी। सो अभी टाइम हो चुका है 6:10, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे घर, घर क्या मतलब रूम पर जहाँ रुके हुए, और अब मिलते हैं सीधे आपसे उधर ही, और बाकी का सीन आपको कल दिखाते हैं। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless.